हेलो फ्रेंड्स, तो ये है डीसी की लेटेस्ट मूवी जहाँ कुछ पेट्स को अचानक से सुपर पावर्स मिल जाती हैं और वो बन जाते हैं सुपर पेट्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगी, तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी सुपरमैन के होम प्लैनेट क्रिप्टोन से शुरू होती है जहाँ हम उसे एक बेबी के रूप में देखते हैं और वो अपने डॉग क्रिप्टो के साथ खेल रहा है। तभी उसके पेरेंट्स वहां आते हैं जिनसे पता चलता है कि क्रिप्टोन प्लैनेट नष्ट होने वाला है और वो अपने बेटे को एक स्पेसपोर्ट में बिठा देते हैं ताकि उसे इस प्लैनेट से बाहर भेज सके। तभी उसका पेट क्रिप्टो भी भागकर उस पोर्ट में चढ़ जाता है और उसकी मॉम कहती है कि हमारे बेटे को भी एक दोस्त की जरूरत है। फिर पोर्ट उन्हें लेकर स्पेस की ओर जाने लगता है और हम देखते हैं कि पीछे से क्रिप्टोन नष्ट हो गया है। तभी अचानक वो बेबी रोना शुरू कर देता है और क्रिप्टो उसे शांत करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना है। आगे का सीन कुछ साल बाद का है जहां वो बेबी और क्रिप्टो बड़े हो चुके हैं और नाम बदलकर अर्थ की मेट्रोपोलिस सिटी में रहते हैं। सिटी उन्हें क्लार्क और बार्क के नाम से जानती है, लेकिन असल में वो दोनों यहाँ के सुपर हीरोज हैं जो सुपरमैन और सुपर डॉग बनकर सिटी की रक्षा करते हैं, जैसे बैंक रोबर्स को पकड़ना, शैतान रोबर्ट्स का मुकाबला करना और एक्सीडेंट से लोगों की जान बचाना। क्लार्क डेली प्लैनेट नाम के एक न्यूज़पेपर में काम करता है और उसे लुइस नाम के एक जर्नलिस्ट बहुत पसंद है। यही हम उन दोनों को रोमांटिक होते हुए देखते हैं, लेकिन क्रिप्टो को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि इससे क्लार्क उसे भूल जाएगा और उसके पास कोई दोस्त नहीं बचेगा। कुछ दूसरे डॉग भी उसे वॉर्न करते हैं कि लुइस के आते ही उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी और क्रिप्टो भी ये सब सोचकर परेशान हो जाता है। उधर लुइस भी इस बात को नोटिस करती है कि क्रिप्टो शायद खुद को अकेला फील कर रहा है और वो क्लार्क से उसके लिए एक दोस्त ढूंढने को कहती है। आगे का सीन एक एनिमल शेल्टर का है जहाँ कुछ स्ट्रे एनिमल्स को कैद किया हुआ है और वो सब वहाँ से भागने का मौका ढूंढ रहे हैं, खास कर एक एस नाम का डॉग। यही हम लुलू नाम के एक गिनी पिग को देखते हैं जिस पर एक साइंटिस्ट ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे और उसी नॉलेज से उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो उसे अनलिमिटेड पावर दे सकती है, लेकिन एस और बाकी एनिमल्स उसे पागल समझते हैं। इधर क्लार्क भी क्रिप्टो को लेकर उसी शेल्टर में आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आऊंगा। अंदर वो वहाँ की केयरटेकर से मिलता है जो कहती है कि एस आपके डॉग के लिए अच्छा फ्रेंड रहेगा, लेकिन पता चलता है कि एस तो वहाँ से भाग निकला है। भागते हुए एस का सामना क्रिप्टो से होता है जो उसे इस तरह शेल्टर से नहीं भागने देता और कहता है कि बिना मालिक के तुम बाहर नहीं घूम सकते। तब एस उसे बताता है कि तुम भी ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम्हारा मालिक तुम्हारे लिए एक दोस्त लेने गया है ताकि तुम्हें उसके साथ छोड़कर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। फिर शेल्टर वाले एस को पकड़कर अंदर ले जाते हैं और पता चलता है कि क्लार्क को भी वहाँ कोई पेट पसंद नहीं आया। क्रिप्टो को अभी भी क्लार्क पर पूरा भरोसा है कि उसके अलावा क्लार्क का कोई दोस्त नहीं है और वो उसे और ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी उनकी नज़र एक बिल्डिंग पर जाती है जहाँ कोई एक मीटियोराइट को पकड़कर नीचे खींच रहा है और वो समझ जाते हैं कि ये उनका जानी दुश्मन लेक्स लूथर है। यही हम लेक्स और उसके साथी मर्सी को देखते हैं और लेक्स बताता है कि मैं इस सोरेन क्रिप्टोनाइट की मदद से अपनी पावर्स बढ़ाना चाहता हूँ। मर्सी को ये बिल्कुल पहले वाले जैसा लगता है, लेकिन लेक्स कहता है कि वो तो एक ग्रीन क्रिप्टोनाइट था जिससे सुपरमैन की पावर्स कम हो जाती है, लेकिन ये ऑरेंज वाला तो पावर्स देने का काम करता है। तभी क्लार्क और क्रिप्टो वहाँ उन्हें रोकने आते हैं और क्लार्क उस मीटियोराइट को वापस स्पेस में ले जाने लगता है। लेक्स उसे रोकने के लिए अपनी लेजर गन का यूज करता है जिससे वो मीटियोराइट क्लार्क से छूटकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से टकरा पाए एक वेव वहाँ आकर उसे पकड़ लेती है और पता चलता है कि ये जस्टिस लीग का मेंबर एक्वामैन है। उनके बाकी मेंबर्स भी सुपरमैन की मदद करने आते हैं जैसे साइबोर्ग, वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न। तब लेक्स अपना एक रोबोटिक सूट निकालता है और उसके मिसाइल के अटैक से मीटोराइट के कुछ टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं और लेक्स कहता है कि मुझे तो बस एक ही टुकड़े की जरूरत है। फ्लैश उन टुकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक लेक्स के हाथ लग जाता है, पर वो देखता है कि इससे उसे कोई सुपर पावर नहीं मिली। तब बैटमैन वहाँ आकर उसे एक जोरदार पंच देता है और वो मीटोराइट और उसके टुकड़ों को स्पेस में भेज देते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लेजर ने उस टुकड़े को पकड़ लिया है जो असल में लुलू नाम की उस गिनी पिग ने भेजी थी। उसकी मशीन उस क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देती है जिसकी एनर्जी से कोई नहीं बच पाता और वो बताती है कि यही तो मेरा मास्टर प्लान था।
पता चलता है कि उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंटिस्ट लेक्स ही था और वो अलग अलग कलर के क्रिप्टोनाइट्स को ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद ही ऑरेंज क्रिप्टोनाइट से थी। फिर सुपरमैन और सुपर डॉग ने उनका सारा प्लान फेल कर दिया और वो उसे पकड़ कर इस शेल्टर में ले आए, लेकिन लूलू हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और चुपके से अपने लिए एक मशीन तैयार करने लगी, क्योंकि वो जान गई थी कि ऑरेंज क्रिप्टोनाइट सिर्फ एनिमल्स पर ही काम करता है। जल्दी ही उसे कुछ सुपर पावर्स मिल जाती हैं, जिससे वो उड़ने के साथ साथ किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती थी और वो इसे यूज करके यहाँ से भागने की सोचती है। एस उसे अपनी मदद करने को कहता है, पर लूलू उनकी एक नहीं सुनती और अपना बदला लेने के लिए वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि क्रिस्टल ने बाकी एनिमल्स को भी सुपर पावर दे दी है। जैसे पी भी अब अपना साइज बदल सकती थी, मैट उनको मिली थी सुपर फास्ट होने की पावर, चिप अब हाथों से इलेक्ट्रिसिटी छोड़ सकता था और एस बन गया था सुपर पावरफुल, और इनका यूज करके वो सब भी शेल्टर से भाग निकलते हैं। आगे हम क्रिप्टो को देखते हैं, जो क्लार्क के साथ एक मूवी एंजॉय करना चाहता है, लेकिन देखता है कि वो तो लुईस के साथ डेट पर जा रहा है। इससे उसे बहुत दुख होता है कि क्लार्क उसे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन क्लार्क उसे शाम को आने को कहकर वहाँ से चला जाता है। दरवाजे के बाहर उसका सामना लूलू से होता है, जो यहाँ उसे पकड़ने आई है, और इसके लिए वो एक ग्रीन क्रिप्टोनाइट का यूज करती है। क्लार्क अपनी लेजर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीन क्रिप्टोनाइट ने उसे पावरलेस बना दिया था और जल्दी ही लूलू उस पर काबू पा लेती है। क्रिप्टो भी ये सब देख लेता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी पावर्स अचानक से गायब हो गई हैं, और तब लूलू उसे बताती है कि तुम्हारे स्नैक्स में मैंने ग्रीन क्रिप्टोनाइट मिला दिया था और जैसे तुमने लेक्स को मुझसे अलग किया था, मैं भी सुपरमैन को तुमसे दूर ले जा रही हूँ। तभी क्रिप्टो को दूर कुछ लाइटनिंग नजर आती है और उसे लगता है कि ये शायद लूलू के ही दोस्त हैं, जो उसे उस तक पहुंचा सकते हैं। वो वहाँ उनसे मिलने जाता है, लेकिन देखता है कि ये तो शेल्टर से भागे हुए वो स्ट्रे एनिमल्स हैं। वो उनके पास सुपर पावर्स देखकर बहुत हैरान होता है और बताता है कि कैसे लूलू ने सुपरमैन को किडनैप कर लिया है और वो उसे छुड़ाने में उनकी मदद चाहता है। एस पहले तो मना कर देता है, लेकिन क्रिप्टो उसे समझाता है कि इसके बदले मैं तुम्हें एक सेफ जगह पहुंचा सकता हूं, जहां शेल्टर वाले तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, और ये सुनकर वो उसकी बात मान जाता है। इधर दूसरी तरफ हम लूलू को देखते हैं, जो अपने जैसे कुछ गिनी पिग्स को छुड़ाने आई है और उन्हें बताती है कि मेरा मालिक लेक्स एक स्ट्राइकर आइलैंड पर कैद है और तुम्हें उसे छुड़ाने में मेरी मदद करनी होगी। फिर वो क्रिप्टोनाइट की मदद से उन्हें कुछ सुपर पावर्स देती है, लेकिन देखती है कि जस्टिस लीग उसे रोकने आ पहुंची है। क्रिप्टो और उसके दोस्त भी टीवी पर उनकी लड़ाई को देखते हैं, जहां लूलू ने एक एक करके जस्टिस लीग को बंदी बना लिया है और क्रिप्टो उन्हें तुरंत उसके पास चलने को कहता है। वहां उन गिनी पिग्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिप्टो देखता है कि उनकी सुपर पावर्स किसी काम की नहीं है और ये देखकर वो खुद लूलू से लड़ने जाता है। लूलू उसे हवा में ही फ्रीज कर देती है और कहती है कि तुम भला उस सुपरमैन को क्यों बचाना चाहते हो, जबकि उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। वो बताती है कि कैसे सुपरमैन और लुईस शादी करने वाले हैं और उसे सुपरमैन से मिली वो वेडिंग रिंग दिखाती है। क्रिप्टो ये देखकर चौंक जाता है और लूलू उसे उठाकर हॉल ऑफ जस्टिस में फेंक देती है। फिर वो एस और उसके दोस्तों का खूब मजाक उड़ाती है कि मैंने तुम जैसे बेकार सुपर हीरोज कभी नहीं देखे, और अपने गिनी पिग्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम लेक्स के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ सारे सुपर हीरोज को बंदी बनाया हुआ है और वो चाहकर भी उस कैद से नहीं निकल पाते। तभी वो टीवी पर क्रिप्टो और उसके दोस्तों को देखते हैं और उन्हें लगता है कि अब हमारी मदद यही एनिमल्स कर सकते हैं। इधर क्लार्क की शादी की बात सुनकर क्रिप्टो का मन टूट जाता है और तब बाकी एनिमल्स एस को उससे बात करने भेजते हैं। वो क्रिप्टो को अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो भी एक टाइम पर एक पालतू पेट था और उसके मालिक की बेटी उसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन मैंने अपने मुंह से पकड़कर उसे वापस खींच लिया, जिससे उसके हाथों पर दांत के निशान आ गए। ये देखकर वो फैमिली नाराज हो गई और बिना कुछ सोचे समझे मुझे एनिमल शेल्टर के हवाले कर दिया। वो क्रिप्टो को समझाता है कि मेरी फैमिली की तरह तुम्हें भी कुछ गलतफहमी हुई है और सुपरमैन तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। फिर वो उन सुपर पेट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और यहाँ एस बताता है कि वैसे तो लूलू भी बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक पावर साइंटिस्ट से बहुत इम्प्रेस थी। और ये सुनकर क्रिप्टो समझ जाता है कि ये जरूर लेक्स की बात कर रहा है, और हो ना हो लूलू उसे बचाने स्ट्राइकर आइलैंड गई होगी।
पता चलता है कि वो लोग एकदम ठीक सोच रहे थे, क्योंकि लुलु ने स्ट्राइकर आइलैंड पर अटैक कर दिया था और वो कहती है कि अब मुझे लैक से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इधर क्रिप्टो वंडर वुमन के इनविजिबल जेट का यूज करता है, लेकिन कुछ मिसाइल सुने क्रैश कर देती हैं और वो देखते हैं कि ये तो लुलु की फ्रेंड विस्कर है और उसे भी लुलु ने सुपर पावर्स दे दी हैं। वो अपनी मिसाइल से उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन एस बीच में आकर उन्हें बचा लेता है क्योंकि उसकी बॉडी एकदम इनविंसिबल है। तब विस्कर उन पर एक ग्रेनेड फेंकती है, लेकिन अपनी स्पीड का फायदा उठाकर मैटन उसे वापस उसी के पास रख देती है। फिर वो लोग उसे एक कंटेनर से ढक देते हैं और विस्कर उसके अंदर ब्लास्ट हो जाती है। आगे हम उन्हें स्ट्राइकर आइलैंड पर देखते हैं और पता चलता है कि लुलु भी लैक्स तक पहुंच गई है। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ पिक्स दिखाती है कि कैसे उसने जस्टिस लीग को पकड़ लिया है, और लैक्स भी उसकी इंटेलिजेंस देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसे रोकने वो सुपर पेट्स आते हैं, लेकिन लुलु एक बड़े से मेटल को क्रिप्टो के ऊपर लटका देती है और कहती है कि अगर इसे बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ बनी सेल्स में चले जाओ। क्रिप्टो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन सुपर पेट्स को लुलु की बात माननी पड़ती है और क्रिप्टो भी उनके साथ बंद हो जाता है। फिर लुलु लैक्स को आजाद करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि लैक्स को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे कैद करके वो मर्सी के साथ वहाँ से चला जाता है। क्रिप्टो उसे अपनी टीम में आने को कहता है, लेकिन लुलु कहती है कि वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 28 मिनट में तुम्हारे दोस्त मरने वाले हैं। फिर वो अपने दो गिनी पिग्स को बुलाती है और कहती है कि अब जस्टिस लीग के साथ साथ लैक्स को भी मेरा हिसाब चुकाना होगा। क्रिप्टो को लगता है कि शायद ये सब उसी की गलती है और आज वो अपना दोस्त हमेशा के लिए खोने वाला है। तभी चिप उसे बताता है कि तुम अचानक से हवा में उड़ने लगे हो, और क्रिप्टो देखता है कि ग्रीन क्रिप्टोनाइट का असर खत्म हो चुका है जिससे उसकी पावर्स वापस आ गई हैं। फिर वो अपनी पावर से उन सभी को छुड़ा लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं डाल सकता, और ये कहकर अकेला ही लुलु का सामना करने चला जाता है। वहाँ से निकलकर वो लैक्स के हेडक्वार्टर में आता है जहाँ लुलु अपने मिनियंस के साथ तबाही मचा रही है और वो सब क्रिप्टो पर अटैक करने लगते हैं। लुलु मौका देकर लैक्स के पास आती है और उसे भी जस्टिस लीग के साथ कैद कर लेती है। फिर वो ब्लास्ट डोर को बंद कर देती है और अपने मिनियंस से ब्लास्ट बटन को दबाने को बोलती है, लेकिन वो गिनी पिग्स ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम इस तरह किसी को जान से नहीं मार सकते। तब लुलु उन दोनों को क्रश कर देती है और कहती है कि अब इस बटन को मुझे ही दबाना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो उस बटन को दबा पाए क्रिप्टो वहाँ आकर उसे दूर ले जाता है और पूछता है कि बताओ सुपरमैन को कहाँ छुपा रखा है। इस पर लुलु कहती है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी है और सुपरमैन हमेशा के लिए तुमसे दूर जाने वाला है, और ये कहकर वो दूर से ही उस बटन को दबा देती है। इधर लैक्स जस्टिस लीग को बताता है कि ये ऑफिस असल में एक स्पेसशिप है और लुलु उन्हें अर्थ से बाहर भेजना चाहती है। क्रिप्टो भी उस स्पेसशिप को जाते हुए देखता है और तब वो गिनी पिग्स उसे बताते हैं कि रॉकेट में एक बॉम्ब लगा हुआ है जो स्पेस में जाते ही ब्लास्ट हो जाएगा। क्रिप्टो ये सुनकर रॉकेट की ओर जाने लगता है, लेकिन देखता है कि लुलु लुइस के हेलीकॉप्टर को क्रश करने वाली है और उसे समझ नहीं आता कि अब उसे किसे बचाना चाहिए। तभी उसके दोस्त सुपर पेट्स वहाँ आते हैं और लुलु उन्हें देखकर हेलीकॉप्टर को दूर उछाल देती है। क्रिप्टोन अपने दोस्तों से जस्टिस लीग को बचाने को कहता है और खुद लुइस को बचाने हेलीकॉप्टर की ओर जाता है जो एक बिल्डिंग पर क्रैश होने वाला है, लेकिन क्रिप्टो एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। इधर पी भी अपने साइज को बहुत बड़ा बना लेती है और मर्टन की स्पीड का फायदा उठाकर वो एस और चिप को रॉकेट की ओर भेज देते हैं। चिप अपनी इलेक्ट्रिसिटी से बेस को काटने लगता है, लेकिन इससे इंजन में आग लग जाती है। तब बेस आग में जाकर खुद बेस को काटता है, लेकिन हम देखते हैं कि रॉकेट स्पेस के करीब पहुंच गया है और तभी अचानक उसमें ब्लास्ट हो जाता है। क्रिप्टो ये देखकर डर जाता है और उसका ध्यान भटकते ही लुलु उसे उठाकर नीचे पटक देती है। वहाँ वो क्रिप्टो को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि एस और चिप ने जस्टिस लीग को बचा लिया है और पी भी उन्हें सेफली लैंड करने में मदद करती है। लुलु को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और तब क्रिप्टो अपने किक से उसे दूर उछाल देता है जिससे उसके लॉकेट में डला हुआ क्रिप्टोनाइट टूट जाता है। उसे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है और फिर कुछ सोचकर वो उन टुकड़ों को अपने अंदर समा लेती है जिससे उसका डीएनए चेंज होने लगता है। जस्टिस लीग और क्रिप्टो को भी कुछ समझ नहीं आता और तभी वो देखते हैं कि लुलु ने खुद को एक मॉन्स्टर में बदल लिया है। क्रिप्टो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुलु एक ही झटके में उसे दूर फेंक देती है।
फिर वो सुपरमैन को ग्रीन क्रिप्टोनाइट में कैद कर लेती है और ये देखकर जस्टिस लीग और सुपर पेट्स एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक का भी लुलु पर कोई असर नहीं होता और तभी हम क्रिप्टो को वापस आते हुए देखते हैं। वो समझ जाता है कि इस तरह वो लुलु को नहीं रोक पाएंगे और तभी उसकी नज़र ऊपर सूरज पर पड़ती है, जहाँ वो अपना सोलर पावर पंच यूज करने की सोचता है, जिसमें वो सोलर एनर्जी को एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। लेकिन सुपर पेट्स उसे वॉर्न करते हैं कि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्रिप्टो इस बात की कोई परवाह नहीं करता और उठता हुआ सीधा सूरज की ओर जाने लगता है। इधर लुलु अपनी पावर का यूज उसके दोस्तों पर करती है और वो सब दर्द से तड़पने लगते हैं। क्रिप्टो भी जल्दी ही सूरज तक पहुंच जाता है और उसकी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने लगता है। फिर वो वापस आकर उसका यूज लुलु पर करता है, जिससे उसके अंदर के क्रिप्टोनाइट नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्रिप्टो खुद को इस शॉक वेव से नहीं बचा पाता। तभी वो देखता है कि एस वहाँ उसे शील्ड करने आया है और इनविंसिबल बॉडी होने के कारण वो क्रिप्टो को बचाकर नीचे ले आता है। लुलु अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाती है, जहाँ उसके गिनी पिग्स उसे उठाकर एक डस्टबिन में डाल देते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारी असली जगह है। क्रिप्टो भी इसका शुक्रिया अदा करता है और फिर अपने दोस्त सुपरमैन से मिलने जाता है, लेकिन देखता है कि उसके पास तो लुईस आ गई है। वो एक बार फिर उदास हो जाता है, लेकिन कहता है कि मैं तुम दोनों की जोड़ी से बहुत खुश हूँ। तब सुपरमैन उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर वो सुपरमैन को उसकी वेडिंग रिंग देता है और वो सबके सामने लुईस को प्रपोज करता है। जस्टिस लीग एक एक करके सुपर पेट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिनमें लुलु के गिनी पिग्स भी शामिल हैं, और एस को साथ मिलता है बैटमैन का। आगे हम देखते हैं कि सुपर पेट्स ने अपनी एक अलग लीग बना ली है और आज वो एक मॉन्स्टर डॉग को रोकने आए हैं। एंड सीन में हम लेक्स को देखते हैं, जो अभी भी उस मशीन में फंसा हुआ है, और लुलु भी अपने एंड से बहुत दुखी है। तभी रोबोटिक सूट में मर्सी वहां आती है, जो लुलु को पेट बनाकर अपने साथ ले जाती है, और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।